हेलो फ्रेंड्स, चंचल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जाएंगे कढ़ाई पनीर। तो उसके लिए हमें जो चाहिए सामान मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिया 250 ग्राम पनीर और एक बड़ी प्याज लिए, मैंने उसको पीस लिया। इसमें अदरक और लहसुन भी डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और तीन मैंने मीडियम टमाटर लिए, उसकी मैंने प्यूरी बनाई है। और दो बड़ी बड़ी प्याज मैंने ऐसे लंबा लंबा पतला पतला स्लाइसेस में काट लिया है। और दो छोटी शिमला मिर्च ऐसे लंबा, जैसे मर्जी आप थोड़ा सा बारीक भी काट सकते हैं, लंबा लंबा मैंने काटा है इसको। और एक कप मलाई, फुल क्रीम वाला दूध, और मलाई हो तो आपके पास तो वो ज्यादा बेटर है। मैंने एक कप दूध लिया है फुल क्रीम। तेज पत्ता लिया है हमने, और चार पांच आप लौंग ले सकते हैं। और ये हरी इलायची और ये बड़ी वाली काली इलायची दो लिया हमने। और इसमें आधा टेबल स्पून हमने लिया है गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया, सूखा धनिया पिसा हुआ, और लाल चिली, और ये सूखे जो लाल चिली होती है ये वो दो या तीन, और कसूरी मेथी, और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। और ऑयल लिया है हमने, जिसमें भी आप बना सकते हैं, बटर में, देसी घी में, ये वो लिया है। हम कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, तो कढ़ाई हो आपके पास तो बेटर है। अगर कढ़ाई नहीं है तो इस तरह का फ्राई पैन या कुछ भी बना सकते हैं उसके अंदर भी। हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसके अंदर आप अपने हिसाब से ज्यादा, अगर आप ऑयल चाहते हैं तो ऑयल ज्यादा ले सकते हैं, कम है, मैं इसलिए थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। जैसे मैंने एक कटोरी लिया था, अब मैंने इसको बचा लिया है। इतना गरम हो रहा है ये, इसके अंदर अब सबसे पहले हम डालेंगे अपना ये खड़ा मसाला है हमारा, ये इसके अंदर हम छोड़ते रहेंगे। इलायची जैसे मैंने पहले बताया था, हल्का सा ऐसे खोल के आप इसके अंदर ऐसे छोड़ सकते हैं, ये इस तरह से छोड़ते हैं, क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये हमने लौंग डाल दिए, लौंग चटकता है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा दूर रहिएगा। ये जो काली मिर्च है इसको इस तरह से हल्का सा इसमें कूट लेंगे, और उसको ऐसे खोल के इसमें छोड़ देंगे गरम तेल में। ये हमने छोड़ दिया। ये देखिए सारे मसाले हमारे अच्छे से इसमें भून चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हमारा कटा हुआ जो लंबा लंबा प्याज था, हम इसके अंदर ये डालेंगे। हम इसको हल्का सा ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। ये देखिए हल्का हल्का सा ये पिंक हो गया, रेड रेड, लेकिन इसको ज्यादा ब्लैक सा नहीं करना, ज्यादा भूनना नहीं है इसको, कम बिल्कुल ऐसे हल्का सा ब्राउन होएगा तभी हम इसके अंदर अपना लहसुन अदरक और प्याज का जो पेस्ट हमने अलग से बनाया है वो डालना है इसके अंदर। इसलिए इसको थोड़ा सा चलाते रहिएगा, ऐसे छोड़ दीजिए 2 मिनट, फिर 2 मिनट पे ऐसे करके बहुत ब्राउन करना है। मैं आपको दिखा दूंगी अभी जब ये ब्राउन होगा। ये देखिए हमारा ये प्याज ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर हमने, इससे ज्यादा नहीं करना, ये भी थोड़ा ज्यादा ही है, पर इससे कम ही करना है, हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे इसमें। अब इसके अंदर हमने ये शिमला मिर्च जो काटी हुई है ये भी ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे हम। ये हमने जो शिमला मिर्च डाली है इसको हाफ पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है इसको। वैसे तो उसमें डाल के अपने आप ही पकेगा वो, लेकिन ज्यादा नहीं पकाना, हल्का से वैसे थोड़ा सा सूखा सा हो जाइए, इस तरह से इसको पकाना है हमने मसाले के साथ, प्याज और लहसुन के और प्याज के साथ। फिर इसमें हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे। अब आप इसको 4 से 5 मिनट तक इसको मसाले को मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देना है, और उसको हम ढक सकते हैं इसको थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट तक ढक दीजिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं,
ये देखिए हमारा मसाला पक चुका है। ये देखिए शिमला मिर्च भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। इसमें अब लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सूखा धनिया, नमक स्वाद अनुसार आप, इसके अंदर ये मैंने जो इलायची ली थी हरी और लाल वाली चिली, ये सब तोड़ के ऐसे इसमें ये डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें अब पानी डालेंगे, मसाले मिक्स कर दिए हमने, थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इसके अंदर, जो हमारे मसाले डाले हैं वो भुन जाएंगे अच्छे से, इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। हमने इसमें हल्दी नहीं ली क्योंकि हल्दी नहीं चलती कढ़ाई पनीर में, इसलिए हमने हल्दी नहीं ली है। उसका रंग हमें लाल चाहिए, हल्दी डालते हैं तो येलो कलर आ जाता है, इसलिए हमने हल्दी नहीं ली इसके अंदर। इसे थोड़ा सा आधा कप पानी हमने डाल दिया है। इसको अब हमें 5 से 7 मिनट तक भूनना है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे और अपनी फ्लेम हमने मीडियम सिम कर दिए काफी, ठीक है। तो हम इसको चेक कर रहे हैं, तो देखिए हमारा मसाला पक चुका है, साइड में ऑयल आ चुका है इसके। इसके अंदर अब हम प्यूरी डाल दें। आप खट्टे वाले जो टमाटर होते हैं देसी, वो ना ले तो ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर आप नॉर्मल जो दूसरे होते हैं वलायती वाले, वो टमाटर लीजिएगा प्यूरी में। इसको अब हमें 5 से 7 मिनट तक इसको प्यूरी डाल के पकाना है। अब इसको हमें 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम देखिए इसको एक बार ही चेक कर लेते हैं प्यूरी को, जो ये डाली थी देखिए। अभी थोड़ा ये भी पका नहीं है, 5 मिनट हो चुके हैं। अगर आपको लगता है ना ये मसाला अभी पका नहीं है, देखिए थोड़ा सा अभी पानी है क्योंकि साइड में ऑयल भी नहीं आया अभी, तो इसको आप 2 से 3 मिनट और ढक के आप इसको पका सकते हैं। अभी इसको ढक दीजिए, इसको अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब हमारा मसाला भुन चुका है, ये देखिए नीचे लग रहा है। इसको टोटल इसको 10 मिनट लगे हैं इसको भुनने में। अब इसमें दूध डालेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके इसको दूध को पकाना है, थोड़ा डालना है फिर पकाना है। वैसे हमने आधा दूध डाल दिया, अब इसको मिक्स करेंगे। मलाई है आपके पास तो ज्यादा बेटर है, अगर दूध है तो दूध भी फुल क्रीम का ले सकते हैं। ये देखिए आप इसको हमें काटना है अच्छे से, थोड़ा सा इसको पकाना है इसके अंदर डाल के। हम दोबारा दूध डाल रहे हैं, जो हमारा बचा हुआ दूध था पहले वाला उसके अंदर पक चुका है, हमने सारा डाल दिया। 2 से 3 बारी करके ही पकाइएगा दूध इसके अंदर, एक साथ नहीं डालना दूध। अब इसको भी हम पका लेंगे, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको आप लगातार 2 से 3 मिनट तक हिलाते रहिए, चलाते रहिएगा, ये दूध कट जाएगा ही बस 2 से 3 मिनट तक लगातार। इसके अंदर ऊपर ऑयल सा ये आ गया है, ये दूध हमारा इसके अंदर पक चुका है। इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी, ये कसूरी मेथी है। इसको हाथ पे लेके इस तरह से ऐसे क्रश करके हल्का सा ऐसे डालना है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर,
अब पनीर डालने के बाद इसको 1 मिनट तक ऐसे छोड़ देना है। फिर इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे पनीर डालने के बाद। अब पनीर डालने के बाद इसको 2 मिनट हमने ढका था, अब 2 मिनट हो चुके हैं, हमने गैस बंद कर दिया। तो देखिए ये देख सकते हैं, ये देखिए अभी हमारा पनीर, कढ़ाई पनीर रेडी है। इसको हम सर्व कर सकते हैं इस तरह से मिक्स करके। तो देखिए हमारा पनीर आपको कैसा लग रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इसको देख के। देखिए इसको धनिया हम ऊपर से डाल के गार्निशिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स हमारा कढ़ाई पनीर रेडी है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, उनको सबको शेयर कीजिए मेरी रेसिपी। और मेरे चैनल पे और भी जो रेसिपी है उसको आप जरूर देखें और जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।